my mind with blues music. Yeah. दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो सीबी एडिटिंग करते हो, दोस्तों आपको पता होगा आजकल यही मार्केट में चल रहा है सीबी एडिटिंग, ठीक है। तो दोस्तों, आप भी बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि ये बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करें, ये कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि मैं खुद सीबी एडिटिंग के बैकग्राउंड कैसे बनाता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और तब भी आप बोलते हो कि हमको सीबी एडिटिंग के बैकग्राउंड चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैं बैकग्राउंड कहाँ से लाता हूँ। रेयर केस में मैं यहाँ से बैकग्राउंड लाता हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम में ओपन करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से यहाँ पे एडिटिंग आपको इमेज मिल जाएंगे। दोस्तों, आप इनको जानते होंगे, इनकी आईडी में से हम सीबी एडिटिंग के बैकग्राउंड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फ़ोटो एडिट की हुई है ना, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो फ़ोटो एडिट की हुई है, देखिए यहाँ पे भी ये जो सीबी एडिटिंग के बैकग्राउंड है दोस्तों। तो हम में से कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको सेव कर लेंगे या फिर इसका यूआरएल कॉपी करके गूगल पे जाएंगे और गूगल से ये इमेज आपको नहीं मिल पाता। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि ये इमेज आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। सो ये रहा प्ले स्टोर, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे इंस्टा सेवर आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड की है, सॉरी, इंस्टा सेव। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 5 मिलियन डाउनलोडिंग है और ये एप्लीकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो हम सिंपली इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो सिंपली इसको ओपन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इसको यहाँ से ऑन कर देना है, ओके, एंड ओपन इंस्टाग्राम। तो हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली वन क्लिक के अंदर इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिख रहा होगा, हाँ, कॉपी शेयर URL, ठीक है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया कि दिस फोटो इज सेव्ड। देखो, फोटो ये सेव हो गया। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट। तो ओपन कर लेते हैं गैलरी। दोस्तों, देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये फ़ोटो हमारे फ़ोन में सेव हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इस इमेज को रिमूव करके इसका बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जो मोस्टली रेयर केस में हर यूट्यूबर आपको नहीं बता पाता, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को कितनी लाइक मिलती है और कितने अच्छा अच्छा रिस्पांस आता है। अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो यही होगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके।